अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ स्टफ टिंडे के बीफ के कीमे के साथ। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे मैंने हाफ के जी टिंडे लिए हैं, ठीक है। इनका छिलका उतार के मैंने अंदर से इनका बीज निकाल लिया है और ये एक मैं आपको अभी करके दिखाऊंगी। और यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने धनिया लिया है, 4 हरी मिर्चें ली हैं, 250 ग्राम यहाँ पे मेरे पास कीमा है, 4 यहाँ पे मैंने टमाटर लिए हैं मीडियम साइज के और उनका पेस्ट बना लिया है, 2 दरमियाने साइज के प्याज लिए हैं और उन्हें चॉप कर लिया है, 1 टेबल स्पून यहाँ पे मेरे पास सॉल्ट है, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, 1 टेबल स्पून यहाँ पे मेरे पास लाल मिर्चें हैं, 1 टेबल स्पून यहाँ पे मेरे पास हल्दी है, 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पे मेरे पास धनिया पाउडर है और 1 टेबल स्पून यहाँ पे मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून यहाँ पे मेरे पास दड़ा मिर्चें हैं और ऑयल इस्तेमाल करेंगे ज़रूरत के मुताबिक। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चलिए ये मैं आपको इसको काट के बताती हूँ। अब इसको छील लेंगे पिलर की मदद से। तो ये देखिए इसकी स्किन मैंने उतार ली है। अब इसको हम अंदर से ऐसे यूँ छुरी की मदद से राउंड करेंगे और ये और इस तरह इसकी ये हम सारी निकाल देंगे इसका गूदा अंदर से। ये देखें, ठीक है, इस तरह बाकी के सारे मैंने कर लिए थे। तो एक मैंने पैन लिया, इसमें मैंने 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल डाला है और इसके अंदर मैंने 1/2 टीस्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो ये देखें ये फ्राई हो गया है। अब इसमें ये सारे का सारा कीमा डाल देंगे। तो ये ऑलरेडी बॉईल किया हुआ कीमा था, तो इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए कीमा फ्राई हो गया है। अब इसमें मैं 1/2 टीस्पून जो है दड़ा मिर्ची डालूंगी, थोड़ा सा इसमें नमक डालूंगी 1/2 टीस्पून, लाल मिर्ची डालूंगी 1/2 टीस्पून और हल्दी पाउडर डालूंगी यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर भी इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून। अब मसालों को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे। मीडियम फ्लेम ही है अभी मेरी। तो ये देखिए ये कीमा बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब इसको निकाल लेंगे, एक खुला पैन लेंगे और उसमें 1 कप ऑयल डाल देंगे हम और साथ ही इसमें ये प्याज डाल देंगे। फ्लेम को हम मीडियम टू हाई करेंगे और इसको फ्राई करेंगे प्याज को। तो जब तक हमारा प्याज फ्राई हो रहा है तब तक हम ये टिंडे में कीमा की जो स्टफिंग हमने बनाई है वो इसमें फिल कर देते हैं। और इसको रखते जाएंगे। ये ऐसे ये भी सब मैं ऐसे ही फिल कर लूंगी और फिल करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें ये प्याज हमारा फ्राई हो गया है। बस हमने इसको इतना ही फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। और इसमें मैं ये सारा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी, इसको फ्राई करेंगे। इसमें हम ये सारे का सारा टमाटर पेस्ट जो बनाया था ये डाल देंगे। अब इसको 1 से 2 मिनट हम फ्राई करेंगे टमाटरों को। तब ये जो कीमा था ये सारा इसमें डाल देंगे जो बच गया है और इसको भी अच्छी तरह डाल के इसमें फ्राई कर लेंगे। अब कीमे को डाल के 1 से 2 मिनट इसको पकाएंगे हम इसमें। अब इसकी थोड़ी सी ग्रेवी बनाने के लिए मैं इसमें 1/2 कप पानी डाल दूंगी और फिर इसके ऊपर हम ये ढक्कन रख देंगे और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे 5 मिनट तक। चलिए मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब इसमें हम ये हल्दी डाल देंगे, धनिया पाउडर, ये नमक डाल देंगे इसमें, लाल मिर्चें, दड़ा मिर्चें डाल के इनको मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट पकाएंगे। मसाला रेडी हो गया है। अब इसमें हम टिंडे रख देंगे। तो ये मैंने इसमें रख दिए हैं और अब इसकी फ्लेम हम जो है वो
लो टू हाई करेंगे, मींस ये मीडियम टू लो, और अब इसको हम कवर करके पकाएंगे 8 से 10 मिनट तक, ताकि स्टीम में जो है वो हमारी टीले जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। अब क्या करेंगे कि ये जो मसाला है ये इसके ऊपर टीलों के ऊपर डाल देंगे हम। तो ये 4 to 5 टेबलस्पून मेरे पास पानी है, ये मैं इसमें डाल दूंगी। बिल्कुल आहिस्ता आग पे हम इसको पकाएंगे। अब इसको हम पकाएंगे 10 से 12 मिनट, ठीक है। तो ये देखिए हमारे टिंडे रेडी हो गए हैं। अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए हम मैंने टिंडे जो है वो डिश आउट कर लिए हैं। अब इसमें हम ये सब्ज मिर्च रख देंगे। ये जो धनिया था ये ऊपर से गार्निशिंग कर देंगे। तो ये देखें तैयार है हमारे केमे भरे टिंडे। इनको ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत मज़े के बनते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर डेली रेसिपी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।